गुरुजी बोले चेला ओ चेला चेला नका गुरुजी बोले चल बाजार चलो जाए हिडर गिरे बड़ा बाजार आएगा चलो गुरुजी चली बे बाजार तो जैसे भैया बाजार चले तो गुरुजी बाजार में यहाँ बढ़िया बढ़िया चीज ले बढ़िया बढ़िया चीज टमाटर ले भिंडी ले आलू ले और खीरा ले तुराई ले हाँ सब कुछ ले ले नौछा सारो पुरानो है नौछा ले ले गुरु जी बढ़िया बाजार के पहुंच के बढ़िया एक नौछा ले ले अंगौछा तो बढ़िया नौछा अपनो डारे अपना सोचा जब गंदा हो जाई है तब दीपे सारे चेला भैया जब गंदा हो जाए और चेला भैया का गुस्सा गुस्साई को गुस्साई को चेला गुरु जी घोड़ी बैठे अब तो जाए घोड़ी बैठ गई यहाँ हाय वो चिकना नौचा रहा रास्ते को कीरी रास्ते चेला रहा गुस्से में यहाँ अनौचा उठाई सुनाए सो जाए ना उठाए सारे के यहाँ आई गए आश्रम पर गुरु जी बुलावाई बेना बे और तबला बदल गई नीचे गुरु जी बोले चेला चल महाराज वीडियो 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 अरे ऊपर लगा रहा है सेट नहीं है ब्रो सेट नहीं है अच्छा बना के बना के इनका चैनल एक है भैया खरीदा है दिलीप हंचल हाँ दिलीप हंचल लखनऊ डालेंगे फटाफट कैसे डालेंगे आपके ग्राम में ये कार्यक्रम हो रहा बाकायदा एकदम फुल तहसील बन रहे सब लोग उसमें दिखेंगे और प्रभु के चरणों में दान वंश मंगल कामना है डालेंगे कल्ली खेड़ा विपिन शास्त्री डाल देना या खाली शास्त्री डाल देना लखनऊ सब आ जाएगा जो प्रोग्राम ये चल रहा है ये भी आएगा क्या होता है गुरु जी बोले चेला बेटे चेला चेला बोलो हाँ गुरु जी क्या बात बोले अंगौठा का वो अंगौठा क्या हुआ चेला बोलो गुरु जी वो तो पानी खेरे का दारी गिर गो रहा है देखा हाँ गुरु जी बोले के उठाया क्या नहीं गुरु जी बोले इधर आ इधर गुरु जी के तो कहा जो चाप हो चेला कर चार पांच मारे चेला बोलो देखा गुरु जी और सब बढ़िया है मारो ना हम तो नहीं परिपेंद अब बनाए जो पर्चा जौन जौन गिराए और उठावा जाए पर्चा बना दे बोले हाँ पर्चा बनाए दे बोले कलम लाओ गुरु जी पर्चा बनावा बोले सुन जौन पर्चा लिखी वो सब उठाई ले बोले ठीक गुरु जी बोले सुन गुरु जी बोले कदुआ गिरा उठा लियो तराई गिरा उठा लियो भिंडी गिरा उठा लियो लौकी गिरा उठा लियो आटा गिरा उठा लियो भाटा गिरा उठा लियो अनौचा यानी जो बढ़िया बढ़िया चीज है ना सब लिख लिख दे गुरु जी बोले पकड़ 20 नोट है ना चेला करता है चेला डाल रहे हैं डाल लिया आएगे बजा रहा है सब चीज लेन आटा लेन भाटा लेन तुराई लेन लौकी लेन मिर्चा लेन धनिया लेन नींबू लेन है सब सब कुछ लेन तो गुरु जी सोचा वो धनिया चेला गुस्सा ही कर रहा है लगा चेला कहीं बढ़िया अंगौछा ले दे गुरु जी बोले चेला सफेद ले आया ना गुरु जी सफेद ले हम हाँ सफेद अंगौठा लिख लई दे तवा चेला बहुत खुश बहुत सोचा यार जौन घोड़ी पड़ते गिर जई है वो सब उठाई ले तारे अंगौठा सब उठाई ले जाए तो गुरु जी तनी मोटे रहा है भैया मोटे और घोड़ी रहा है छोटी छोटी घोड़ी रहा
ऐसे आगे बढ़े तो भैया मालूम घोड़ी करने लगी लेटरीन। चेला ऐसे देखे, चेला सोचे गुरु जी कहा था ना कि जौन गिर जाए उठाइया उठे कुछ गिर हो जाए, तो आगे बढ़ो ना देखे जाओ ना ताते हो भरे। बहुत खुश आई गो आश्रम पर गुरु जी। हाँ जिला क्या बात है, ले कुछ गिरो रहा है घोड़ी पड़ते देखा है। और जैसे गुरु जी देखे गुरु जी बुलाए मत लेट रे हम का जानी लेटिन घोड़े पत्ते गिरी आदम उठाई गुरु जी लेन शंकर और चार पांच मारी महाराज कहे का 60 रुपए का मोचा बर्बाद करके रख दिया। चेला बोला गुरु जी हम मारा है ना बार बार फिरते पर्चा बनाई दे। हाँ जो जब उठावे को तो बनाई दो ना उठावे को तो बनाई दो ले। हाँ गए फिरते पर्चा बनाई दे। अब किनका लेकर है, अब किन ले रहे हैं देखा बैंगन उठाना फिर सब्जी भाई उतने लिख दिया तुराई उठाना लौकी उठाना नींबू उठाना धनिया उठाना मिर्चा उठाना और दाल उठाना नमक उठाना सब चीजें लिख दिया ले। इतनी चीजें उठाना अब आगे के लिए ना उठा बोले ठीक चली भे पर्चा गल्लम डाल लिया। तो गुरु जी सोचा है लावाज कहादों के लिए बाजार चली समहे चली जाए समहे। चेला बोलो चलाओ तो जैसे बंदो बाजार चले समहे तो रास्ते में पड़ी गए भैया नहारी और नहारी आवे डमा डामू। चेला बोलो गुरु जी या तो नहारी आए रे या बता करे। गुरु जी बोले भानिक देव वो जवान चेला भैया कूदी पड़ो अतंती मरी और गुरु जी रहे बहुना बहुना। चेला गलती पर चेला बोला गुरु जी आबो आबो भागियो बुढ़िया होना है। चेला वही पार खड़ा तो जैसे बंदो पानी में यहाँ खाने घोड़ी बैठ गई यहाँ तो जब तक घोड़ी के काने में यहाँ पानी ना गाओ तब तो कुट 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 कुल चलती रही। हाय भैया जो एक काने में पानी गाओ घोड़िया मारी छलांग गुरु जी पानी में मत गिरे। उछलाए बूढ़ाए उछलाए बूढ़ाए हे गुरु जी सोचा अब निकाल आए अब निकाल आए। खैर कुछ लोगों ने निकाल दिया वो गुरु जी बोले के चेला अरे मैंने तुझको चेला क्यों बनाया है। चेला बोलो गुरु जी अब का कमी रह गए आपका कमी रह गए। गुरु जी बोले चेला अरे मैं पानी में गिर गया और तूने हमको क्यों नहीं उठाया वही ने फट भाई पर चलना।